Çimakatta Samini Grami me or bere me manuk suci ya 10,500 फुट की बुलंदी के साथ है ऊंचाई सी लेवल से सेफ नुजिल की बुलंदी फुट में और यहाँ आके मैंने और आपने क्या देखा अल्लाह की शान को देखा सेफ लुक ट्रैक इसका एरिया बाया देखने में छोटा लगता है चलने में काफ़ी बड़ा है 4.5 किलोमीटर सेफ लुक ट्रैक इसका एरिया रोंग झील में आधा पानी इसका नीचे जमीन से चश्मे आधा पीछे से आके इसके अंदर ये मिट होते हैं 24 घंटे 12 महीने यहाँ से ये जा रहा है लगातार मुसलसल दिसंबर में झील है ये जम जाएगा फुल फ्रीज कवर्ट अल्लाह की ज्यादा आबादियाँ से ख़त्म इसकी तय का डेथ का इस वक्त तक ये पति चला इसके दरमियान वाला डीप है 2 फार्दन से पहले वक्त में रबड़ की बोट डाली किश्ती इसमें 2 मदरसे के साथ 10 किलो वजन का के बांध के इसमें डाला नीचे तय जमीन नहीं आई आपके सामने मेरे सामने ये 2 चोटियों पर ये सामने मलका पर टॉप बादलों में मलका परी के नाम ये पहाड़ी का नाम रखा कि किसी इंसान ने इसको टॉप क्रॉस नहीं किया टॉप क्रॉस नहीं किया इसी के ऊपर ये जिन्हों का साया डरा बिशारा वो चीज़ इंसान को नीचे गिरा देती है वो चीज़ें फेंक देती है ये पहाड़ी ये देखो बादलों में ऊपर ये नजर आते हैं बर्फ बादलों में आ अच्छा चलें चलते हैं आंसू लेक आ गए उस पहाड़ी की बैक साइड में कसगिरी की बैक साइड में अच्छा आंसू झील 8 घंटे का सफ़र यहाँ से आना जाना उसका डिजाइन आँख पानी यहाँ से करते हैं कतरे करते हैं कल्टियाँ लगती हैं टपते टप टप की आवाज़ आती है उसका रंग शीशा बनता है सेंटर में मोतिया बर्फ का शेडो में ग्लेशियर नमीर को साथ रखा नमीर तो इस झील सफर में क्यों कहती ये कौन था किसके नाम पर ये तारीख चली ये बात आ गए आप तक मेरे तक पहुंची ये एक शहजादा था आसम बादशाह का बेटा मिस्र का जो सबसे पहले इंसान यहाँ पे आया उससे पहले आबादी नहीं थी कोए काफ से 7 चढ़ियाँ 8वीं परी बदजमाल मलका के यहाँ आती थी झील में 8वीं परी मलका बदजमाल उसको मिल गई ख्वाब में मिस्र में वहाँ से परी की तलाश में ये निकल गया मलका के पीछे 6 साल मिस्र में ढूंढता रहा लेकिन यहाँ का रास्ता उसे नहीं मिला अल्लाह की शान 6 साल के बाद रास्ते में उसे एक दरवेश मिला गबी वली बुजुर्ग उसी बुजुर्ग से उसकी मदद में जिन उसके कब्जे में गाइड बांध के दो एक उसको टोपी मिली सलमानी वो टोपी लगा के पहन के इंसान गायब हो जाएगा सबको देखेगा किसी को भी नजर नहीं आएगा और जिन्होंने शाह साहब को वहाँ से उठा के यहाँ ला के उतारा सामने छोटी पहाड़ी साहब इस पहाड़ी के पीछे क्या पहना है पहले पहला रास्ता वो था ये सामने वाला पहाड़ा का शायद था ये पानी झील बड़ी ऊंची झील थी क्या वो दोबारा पहले जमाने में पानी का रास्ता वो था ये जो सामने खेमे घर हैं आप आदमी के पीछे क्या पहना रहे पहले जमाने में पानी का रास्ता वो था ये सामने वाला पहाड़ा का शायद था ये पानी जिन उसको यहाँ पे लगा तो यहाँ आके शायद सेफ ने झील की पहचान की लेकिन यहाँ उसे परी नजर नहीं आई उसने परी के लिए 40 दिन चला काटा अल्लाह की इबादत 40वीं रात को जब अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह इतनी तकलीफ़ काटी मुसीबत काटी चिल्ला काटा लेकिन यहाँ मुझे परी नजर नहीं आई उसी रात को चांद की 14वीं रात की 7 चढ़ियाँ 8वीं परी पर जमाल मलका आके कोई काफ से यहाँ आ रही है सामने झील में उसकी निगाह पड़ी देखा चाना उसने जिंद को बताया कि ये एक मलका मेरे साथ कैसे आएगी आप जिंद के उन्होंने मलका का ताज उठाया और लाख शायद सबको दे दिया सैर करके तफरी करके नहा के सत परियाँ उड़ गई मलका रहेगी अकेली तो शादा से उसके सामने आके असर करके यहाँ से परी को लेकर गया नीचे नाराज में अपने साथ पीछे उसका मालिक आ गया रिश्वत यहाँ पे जिन परी का मालिक आकर यहाँ देखकर ढूंढा उसकी मलका नहीं है उसने गुस्से में आकर अपनी एडी मारकर ये दरमिया से यहाँ से झील को तोड़ दिया ये पहाड़ी तोड़ के ये पानी चला गया तो सलाम किया रास्ते में दोनों खड़े थे आगे रास्ते में परी और शाह से पीछे सलाम किया अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह चाहते अल्लाह ने गार बनाया जमीन फट की इन्होंने बाकी गार में पनाह मांगी अल्लाह से सैलाब चला गया गुजर गया ये गार में बच के और वो गार कहाँ पे नीचे नारायण पुल के साथ है वापसी में जाके देखें 5 मिनट का रास्ता है 2005 में ये बंद हो गया मिट्टी पत्थर करके पहले ये लंबा गार था ऊंचा गार था परी का मालिक आगे जाकर मर गए थे सही प्रस कर दूँ मैं इसी गार से उन्हीं जिनों ने दोनों खुदकाल के मिस्र में पहुँचा दिया अब सैफ नाम शादे का सैफ मुझिल के यहाँ इसके नाम पड़ गया शाह सफर परी मलका तो यहाँ मुलाकात हुई है तारीख बनी कहानी बनी बात आ गया लोगों तक चलती है यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया स्टोरी ख़त्म अल्लाह हाफ़िज़ ओके आपकी उम्र कितनी है मेरी 60 इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग।